जिस जगह पे अभी हम है ना, ये बहुत डरावनी जगह है। और लोगों से सुना भी था मैंने कि यहाँ पे कभी कभी किसी ने कोई भूत भूत भी देखा था। वैसे भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं तो वहाँ पे चुड़ैलों का वास होता है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, उस डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितनी भी जो डेडलीस्ट रोड आती हैं, जो खतरनाक रोडें हैं, उनमें से एक रोड ये भी है। चुप रहो, बस आपकी जब कभी हमारे हम दोनों का झगड़ा हो जाता है ना, जब मुझे लगता है कि हाँ बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है कि बाहर जाके गाड़ी को लात मारूं। और जब उसको लात मारती हूँ तो इतना बुरा लगता है, इतना बुरा है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इंसान की जब दिल पे चोट करनी हो तो उसकी जो दिल के नजदीक जो चीज होती है ना, उसी पर अटैक करना चाहिए। और मुझे पता है इनके दिल के सबसे ज्यादा करीब इनकी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह यही है। यही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है, इनकी बाइक या गाड़ी को इतने जोर से किक मारो कि सीधा इनके दिल पे लगे। Shall we begin? जय श्री राम, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 और हम हैं अभी मेन स्टॉप जानीपुर। आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं मेन स्टॉप जानीपुर से, और टाइम बज गए हैं दिन के 3:30। सबसे पहले भी चलते हैं सब्जी मंडी, वहाँ से लेते हैं सब्जी, फिर उसके बाद चलेंगे हम विशाल मेगा मॉल, वहाँ पे भी कुछ सामान लेना है, देन उसके बाद चलेंगे हम अपने घर की ओर। सब्जी वगैरह हमारी यहाँ पे आ गई, तो हम सीधा चलेंगे विशाल मेगा मॉल। कल ही हो रही थी कि अब जम्मू में गर्मी हो गई है, बट आज देख लो आज मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, तो आज ठंड है सुबह, मौसम का भी कोई पता नहीं होता है। तो हम पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मॉल। अंदर जाने से पहले हम गाड़ी को पार्क कर लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। गर्लफ्रेंड आपकी जान ही अटकी हुई है गर्लफ्रेंड में, बीवी से ज्यादा इनको प्यारी अपनी गाड़ी है। गाड़ी मतलब लाड़ी? हाँ, गाड़ी ही इनकी लाड़ी है। जब कभी हमारे हम दोनों का झगड़ा हो जाता है ना, तो जब मुझे लगता है कि हाँ बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है कि बाहर जाके गाड़ी को लात मारूं। और जब उसको लात मारती हूँ, इसका मतलब है कि इनको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। पर मेरे पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इंसान की जब दिल पे चोट करनी हो तो उसकी जो दिल के नज़दीक जो चीज़ होती है ना, उसी पर अटैक करना चाहिए। और मुझे पता है इनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब इनकी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह यही है। यही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है, इनकी बाइक या गाड़ी को इतने जोर से किक मारो कि सीधा इनके दिल पे लगे। तो सबसे पहले हम लेंगे खाने पीने का सामान। हमने जितना भी सामान वगैरह लेना था वो सारा हमने ले लिया, बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 5 बज गए। और अभी हमें जम्मू से कास्तीगढ़ जाना है, 5 बज चुके हैं और अब हम देखते हैं कि हम घर कितने बजे पहुँचेंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ इस वीडियो को देखते रहिए। अभी हम यहाँ पर पेट्रोल रिफिल करवा रहे हैं, टाइम 5:30 हो गए। अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है कि हम घर कब पहुँचेंगे। छोटू हो चुका थोड़ा सा बीमार, इसलिए थोड़ी आवाज़ कम निकल रही है। तो गाइज 5 बजे तो हमारा टारगेट था कि हम यहाँ से 5 बजे निकलेंगे, लेकिन फिर वही कभी ये चीज़ कभी वो चीज़, तो अभी बज चुके हैं 5:22 और अपना एग्जैक्ट टाइम अब रहेगा 5:30 यहाँ से निकलने का। तो अपना पेट्रोल बिल्कुल रिफिल हो चुका है, टैंकी को हमने बिल्कुल टॉप लेवल तक पहुँचा दिया, फुल कर दिया है। अब हम दब के रखेंगे एक्सीलेटर को, क्योंकि अब यहाँ से लेकर घर तक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाएंगे हम। टाइम अभी बज चुका है 5:25। 5 बजे से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। मैंने नई वीडियो बनानी है, मैं आपके साथ सच बोल रही हूँ, नई वीडियो बनानी है। 5 बजे से मैं बोल रही हूँ कि हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, अब निकले, अभी पेट्रोल डाल रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। आप लोगों को बताऊंगा, अभी हो गए 6:45 और हम पहुँचे हैं जम्बो जू के पास।
गाइज अभी बज रहे हैं 7:45 और 6:45 हम जम्मू से वहाँ से निकले थे, 1 घंटा हो चुका है हम यहाँ तक। फिलहाल अभी हम जाम में फंसे हुए हैं, जब तक जाम वगैरह निकलता है तब तक आप वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। शुक्र है जाम जो है वो क्लियर हो गया। अभी हम पहुंच चुके हैं नाश्री टनल के पास। मुझे लगा था कि कहीं आगे और ट्रैफिक वगैरह ना हो, हम यहीं फंस जाएंगे, बट थैंक गॉड रोड बिल्कुल क्लियर थी। और हम उधमपुर जब हम उधमपुर में थे तब थे 7 और अभी बज रहे हैं 7:19। इसका मतलब है हम उधमपुर से जो है यहाँ पर पहुंचे 19 मिनट में। और अभी हम 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं बिकॉज हमें घर जल्दी पहुंचना है। और यहाँ पे मतलब आगे पीछे कोई इतनी गाड़ियाँ नहीं है कि कोई रिस्की वगैरह नहीं है कुछ है ठीक है, बट हमारे सामने तो एक ट्रक आ गया है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा बिकॉज इसी को फॉलो करना पड़ेगा हमें। अभी हम पहुँच गए हैं पटोद और टाइम हो गया अभी 8:45 हो गया ना। हाँ, हम जब भी जम्मू जाते हैं या जम्मू से जब भी वापस काशी रोड के लिए जाते हैं तो हम हमेशा वहाँ शॉप पे रुक के मोमोज खाते हैं बिकॉज उसके लिए हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ी। बट मुझे ये जनाब जो है वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं पहले ही बिकॉज लेट हो गया। भाई लेट तो मेरी वजह से नहीं हुआ था, मेरी वजह से लेट थोड़े हुआ था, आप गुस्से में क्यों? कोई इंसान कितना डीड हो सकता है यार, जो बंदा मुझे सुबह से बोल रहा है कि जल्दी चलो घर, लेट हो गए, उस बंदे को अभी मोमोज की पड़ी है। वाह, मैं पहले गाड़ी रोक लेता हूँ 1 मिनट। वाह 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 वा, क्या बात है। हेलो, तो सच में मुझे खाने ही नहीं मिला। घर से कॉल आ चुकी है गाइस, 7:30 बज चुके हैं अभी, घर से बार बार कॉल आ रही है, कोई मोमोज नहीं, लेट हो गई है। अच्छा पैक करा लो, मैं खाती जाऊंगी चलते चलते, आपको भी खिलाती हूँ। शॉप भी खुल ली है, मैंने उनको अंदर भेज दिया जैसे तैसे करके मोमोज लाने, मैंने उनको भेज दिया। बहुत मन कर रहा था मुझे खाने के, नहीं वैसे उन्होंने मुझे डांटा, एक बात तो सच है कि काफी लेट हो चुका। और बैल लिए पैक करते हैं, पैक करो साथ में गाड़ी। हाँ मैं भी वही भर रही हूँ, पैक करते हैं। हाँ है ना, हाँ आगे आगे टंकड़ें। बाय द वे थैंक यू गाइस, दुनिया गई तेल लेने, हम तो खाएंगे मोमोज। हम इतने लेट हो रहे थे लेकिन इनको मोमोज खाने थे। ना बात ही नहीं कर रहा मोमोज साहब। कभी इन फ्यूचर आपको टाइम मिलता है जम्मू जाते वक्त या फिर जम्मू से डोडा भद्रवाह या किश्तवाड़ आते वक्त, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। पटोद के बाद 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक फास्ट फूड मिलेगा राजपूत कैफेटेरिया के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप इन मोमोज, स्प्रिंग रोल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन मैं अक्सर मोमोज या फिर स्प्रिंग रोल ही खाता हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। जय हो। तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं असर में, ये सामी रोड चला जाता है डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की ओर। अब हम यहां से लेंगे लेफ्ट टर्न और जाएंगे अपने कास्तीगढ़ की ओर। अब हम आएंगे ऐसी लिंक रोड पे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे खतरनाक रोड्स है ना उनमें से एक है। यहां से घर तक पहुँचने के लिए हमें जाना होगा कोई 22 किलोमीटर और टाइम लग जाएगा कोई 1 घंटा या फिर 1 घंटे के आसपास का। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है उसमें जितने भी जो डेंजरस रोड है ना उनमें से एक रोड ये भी आती है, और इस रोड का नाम है असर टू कास्तीगढ़। आपने किश्तवाड़ केलाड़ रोड का नाम तो सुना ही होगा, जैसी रोड वहाँ पे है वैसी रोड यहाँ पे भी है। अब हम ऐसी रोड पे आ चुके हैं, ऐसी डरावनी रोड पे आ चुके हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं, देखो रात का समय है तो थोड़ा बहुत डर लगता है, वैसे गाड़ी के अंदर कोई डरने वाली बात नहीं होती लेकिन फिर भी लोगों की बातें सुनी सुनाई से थोड़ा बहुत डर लगता है, तो हम हनुमान चालीसा लगा देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। तो अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिणकुल ब्रिज पे जो कनेक्ट करता है हमारे कास्तीगढ़ को, सराज एरी को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज है, केबल ब्रिज है, काफ़ी लंबा ब्रिज है ये, रात का टाइम है, फिर ऊपर से ये सुनसान रास्ता बिल्कुल।
हनुमान चालीसा लगाते हैं और अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। जिस जगह पे अभी हम है ना, ये बहुत डरावनी जगह है, और लोगों से सुना भी था मैंने कि यहाँ पे कभी कभी किसी ने कोई भूत भूत भी देखा था। वैसे भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं तो वहाँ पे चुड़ैलों का वास होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों से सुना तो बड़ा कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। हम गाड़ी के अंदर हैं, हनुमान चालीसा लगी हुई है, अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि मैं यहाँ पे जा रहा था रात को, मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा। मैं भी रात को बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। काफ़ी सुनसान एरिया है वैसे ये, एक तो सुनसान एरिया है और दूसरा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों को काट के इस रोड को बनाया गया है, तो उससे और ज़्यादा डरावनी हो जाती है ये रोड। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में भी कहा था, जब हम इस लिंक रोड पे एंटर किया था हमने, कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, उस डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितनी भी जो डेडलीस्ट रोड आती हैं, जो ख़तरनाक रोडें हैं, उनमें से एक रोड ये भी है। भूत भूत का डर हो ना हो, लेकिन रीढ़ भालों का डर यहाँ पे ज़रूर रहता है। अब जाके मेरी जान में जान आई है, जब मैं अपने कास्तीगढ़ में एंटर हुई। अब मुझे लग रहा है कि शुक्र है कि मैं अपने घर पहुंच गई, मतलब कास्तीगढ़ में मैं एंटर ही हुई हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक होता नहीं कि हाँ आप एंटर हो गए अपने उस एरिया में, थोड़ा ये कि आपको सेफ फील होता है कि नहीं यार, अब ना यहाँ पे वैसी रोड है, ना उतना कोई जंगल है, यहाँ से हम रोज आते जाते हैं तो यहाँ पे मतलब हमें कोई डर वगैरह नहीं लगता। और यहाँ से पहले मतलब मैं गाड़ी में अक्सर सो जाती हूँ, जब भी दिन को भी जाती हूँ मुझे नींद आती है और हेडेक वगैरह जब होती है, तो अभी मुझे इतनी हेडेक हो रही थी, बट मेरा कंसंट्रेशन जो था वो सिर्फ रोड पे था। एक तो ये कि गाड़ी सीधी चल रही कि नहीं चल रही, हमें रोड दिख रही कि नहीं दिख रही, दूसरा कोई जानवर ना दिख जाए, तीसरा कहीं भूत ना दिख जाए, मतलब ना माइंड में मेरे बस हजार बातें चल रही थी, यही कि अब आगे कैसा है, क्या है, ये वो, बस पूरा कंसंट्रेशन मेरा गाड़ी में था, कहाँ जा रही है, कैसे चल रही है। डर के मारे मैंने तो इसको बंद कर लिया, कहीं किसी का हाथ मैंने पहले खुली रखी थी, बोल रहे थे बाहर से किसी का हाथ आएगा और तुझे बाहर लेके चला जाएगा, उस वजह से मैंने खिड़की बंद कर दी। बट चलो अब कोई नहीं, अब मेरी सांस में सांस आई है, अब मैं खिड़की भी खोलूंगी और मजे से देखूंगी। यहाँ से हमारा घर भी थोड़ी थोड़ी लाइट दिख रही है। आज का व्लॉग वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने ही छोटू करेगी आपसे, अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम रोज आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते रहें। तो मिलते हैं हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ।